एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। एक बार दो भाई होते हैं, दोनों बेरोजगार होते हैं। एक कहता है कि यार क्या करे, रोजगार नहीं। इसकी आवाज क्या होगा भाई, कोई ब्राह्मण तो नहीं बैठा उसके बाद? तो दोनों भाई बेरोजगार थे। एक ने कहा क्या करे, बड़े परेशान है। तो एक ने कहा तार खोल लिया था, दो तीन फीट पे तार खोल लिया। एक ने रात को जाकर सारी कॉलोनी की खिड़की और दरवाजे पोती, जैसे खिड़की और दरवाजे। सुबह दूसरा भाई गया साइकिल लेके और कह रहा नहीं, तार खोल साफ कर लो, तार खोल साफ कर लो। उसको काम मिल गया। ये कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी, ये कोई भाई है, एक हमारे मुंह पे कागज खोल तार, दूसरा साफ कर दिया। ये वही लोग है, आपको समझना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी संख्या में रहा है इस देश के जो मठाधीश बने बैठे हैं। शंकराचार्य ने कहा था, मेरी बहन बेटी को बताना चाहता है, पाखंड जो है ना, आज नवरात्रे हैं, अच्छी बात है, इनके बीच में समझना पड़ेगा आपको। इसलिए शंकराचार्य ने कहा था कि नारी नरक का द्वार है। अरे तू कौन से द्वार से आएगा राम भोल, तुम्हें तो एक महिला ने पैदा किया था, तू कहां से आया था? और ये जो दुर्गे का पाखंड चल रहा है इस देश में, मैं बताऊं आपको, महिषासुर हमारा दर्मिंड सभ्यता का राजा था, इन्होंने एक वैश्य का सहारा लिया था और कहा था कि इसका संहार करना है। नौ दिन उस हमारे राजा को छत्र पर से अपने घर के अंदर रखा और दसवें दिन मारा था। एक वैश्यासी दुर्गा, ये स्मृति रानी ना उसने कहा है, ठीक है। और ये लोग पूजा करवा रहे उस वैश्य की, आपसे कहते हैं दुर्गा की मूर्ति जब बना देती थी वैश्य घर की मिट्टी लिया, ये कहावत है। तो ये उसकी पूजा करवा रहे। और एक हमारी बहन थी, बहन थी फूलन देवी, जिसने उन राक्षसों का संहार किया, उसे डाकू बनाया गया। अरे असली दुर्गा तो वो है। और ये झांसी की रानी रूरी कोई नहीं रही इस देश में। झांसी की रानी इंडिया की जलकारी भाई लड़ी, झांसी की रानी तो विदेश में बैठी थी उस टाइम। अगर रानी थी तो डाठा मार के लड़ रही थी, दिखाती ना लोगों का मैं रानी लड़ रही हूँ। तो ये हमारी बहन बेटियां इतनी तैयार है, जब हम जंगलों में रहते थे ना, चंटे फटने से हिरण और शेर को मार देती थी, इनकी औकात क्या है? इनके औकात बता रहे हैं लोग, जिस दिन हम लोग, इनके मोहन भागवत ने कहा था कि जो देश की आर्मी नहीं कर सकते, हम 10 दिन में करके दिखा देंगे, एक बार हमें खुला छोड़ दो। मैं कहना चाहता हूँ मोहन भागवत को, एक दिन 2 अप्रैल को छोटा सा मजाक किया था, जिस दिन मजाक करना बंद किया, तुम्हारी औकात दिखा, तुम्हारी धोती खुल जाएगी।